आयुष जी, हम लोग फरुखाबाद में हैं। फरुखाबाद, ये पूरी आगरा से बेल्ट शुरू होती है आलू किसानों की, और आलू एक ऐसी फसल है जिसको इमीडिएटली जिसकी खपत नहीं की जा सकती है, लेकिन साल भर जिसकी ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है फरुखाबाद में। चूँकि आलू बहुत होता है तो कोल्ड स्टोरेज भी बहुत होंगे, तो हम लोग बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज में आए हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र जी, आप मैनेजर हैं यहाँ पे? मैनेजर हैं। तो मुझे बहुत उत्सुकता भी होती थी क्योंकि हमारे उरई जालौन में तो कोई कोल्ड स्टोरेज था नहीं, अब हो गया हो तो नहीं कह सकते, कि जरा कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम देखा जाए और जो दर्शक देखना चाहें वो भी। फिर आलू के किसान भी यहाँ पे होंगे क्या? हाँ, किसान किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ आलू हुआ, तो मैं बोरों में भर के लाता हूँ या ट्रॉली में भर के लाता हूँ? बोरों में लाएंगे, ट्रॉली में भर के, ये फिर चैम्बर में जाएगा अंदर। ये चैम्बर में दिखाइए कहाँ ले जाते हैं, कितना पैसा लेते हैं आप? जैसे मुझे अपना एक बोरा आलू रखना है, 170 रुपये पैकेट, मतलब इस एक बोरे का 170 रुपये, 220 रुपये क्विंटल है, 220 रुपये क्विंटल है। 53-54 होता है, हम लोग 53 का एवरेज सेल लेते हैं। एक बोरे का 53 रुपये, 53 किलो का एवरेज, 53 किलो का एक बोरा बना, और उसका कितना पैसा? 170। 53 किलो के एक बोरे के 110 रुपये यहाँ पे रखने के। हाँ, ये 117 बता रहे हैं मैनेजर। ये तो अपने हिसाब से भी इनका जनरल रेट 110 रुपये का, 110 रुपये। और कितने महीने रखने का होता है वो? कोई टाइम नहीं होता है, आप 15 दिन के बाद भी निकाल सकत, और आप अक्टूबर 31 अक्टूबर तक निकालें। 31 अक्टूबर तक। और खुदाई कब होती है आलू की? क्योंकि खुदाई दिसंबर से चालू हुई है, दिसंबर से होगी और 31 अक्टूबर तक रखी रह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोल्ड तो चलता है फरवरी में शुरू होता है और अक्टूबर तक रहता है। पक्का आलू फरवरी में आता है? पक्का आलू फरवरी में आया। अच्छा, तो आप ये अभी बोरा यहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बीज के लिए ले रहे हैं? नहीं, खाने के लिए बोरा ले जा रहे हैं। क्या हिसाब चल रहा है अभी आलू यहाँ पे? चाचा क्या हिसाब ले जा रहे हैं? हम खरीद के ले जा रहे हैं, अपना ले जा रहे हैं। क्या हिसाब चल रहा है अभी आलू? आलू चिप्सोना बिक रहा है 600 रुपये पैकेट। चिप्सोना 600 रुपये पैकेट, 1200 रुपये क्विंटल, 1200 रुपये क्विंटल है। चलिए आइए देखें। आप सब लोग यहाँ क्या मजदूरी करते हैं? किसानी है, काश्तकार है। अभी रुकिएगा, आप लोगों से बात करेंगे, क्या दुख तकलीफ है सब जानने आए हैं। क्या नहीं करेंगे चाचा? बोलेंगे नहीं तो तकलीफ कैसे दूर होगी? बिल्कुल बोलेंगे। चलिए पहले जरा कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम देख लें। आप उधर आगे दिखाइए, उनको दिखाइए, हम नहीं है स्टोरी। सूख के जाता है, मतलब जैसे मैं बोरा लेके आया तो मैंने पहले क्या कॉल करवा दी, पैकेट भर के लाए। नहीं तो अब ये जो सुखा रहे हैं किसान सुखाएंगे, ये आपका स्टाफ सुखाएगा? किसान सुखा। अच्छा, आप उसकी नमी चेक करते हो क्या? हर मंडी में ले जाते हैं। नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने चैम्बर से आलू निकलता है। नहीं नहीं, ये तो चैम्बर तो बाद में आया ना, मैं फरवरी में मान लीजिए मेरे यहाँ आलू हुआ, मैंने मुझे कोल्ड स्टोरेज में लगाना क्योंकि तब तो सस्ता बिकता होगा, है क्योंकि आवक ज़्यादा होगी, तो वो आप कहाँ से ले जाते हैं? ये तो अभी निकल रहा है आलू इनका, है ना? यहीं बरामदे उतरता है, यहाँ ले जाते हैं लोग, लादियाँ उतारते हैं, लोड कर रहे हैं। तो चेक भी करते हैं आप उसको कि आलू अंदर कैसा है, खराब वराब तो नहीं है? हर आलू का बीज आजकल देखते हैं लोग, बताते हैं अपना आलू कौन सा है। अच्छा, वो सारा खोल के चेक नहीं होता है? कोई कोई चेक करते हैं, कोई नहीं, रेंडम चेक करते हैं और फिर अंदर लगा देते हैं। कोल्ड स्टोरेज यहाँ ठंडक है, थोड़ा रुक जाइए, वहीं रुकिए आऊँगा बाहर। अच्छा, जिसका लग रहा है बस वही आए, बाकी भीड़ ना। ये पूरा ऐसी लकड़ी के बने होते हैं? लकड़ी के बने ये कितने फ्लोर बने हैं लकड़ी के? कितने फ्लोर हैं लकड़ी के? 7 फ्लोर। 7 फ्लोर हैं। कूलिंग सिस्टम भी देखा है आपको? हाँ हाँ, कूलिंग सिस्टम देखना है ना, वही तभी तो कोल्ड स्टोरेज है। कितना टेम्परेचर रहता है अंदर? इसके फारेनहाइट में रहता है 33-35 फारेनहाइट रहता है। ये देखिए, ये आलू आपके घरों में आएगा, खूब ठंडक है यहाँ पे, ये छूने पे भी ठंडा लग रहा है। सेल्सियस में कितना बताया? फारेनहाइट में बताया, अब तो बदलना पड़ेगा। ये समझिए सेंटीग्रेड में 3-4 के आसपास ये थर्मामीटर लगा है।
ये थर्मामीटर लगा है, हमको तो देखना भी नहीं आता है कितना है। ये दोनों लिखे फारेनहाइट पे सेल्सियस में है। हाँ, ये तो एक डिग्री लग रहा है। नहीं, दो तीन होगा कम से कम। आपने कितने फारेनहाइट बताया? जीरो से आप गिन लिए? जीरो से एक ही तो ऊपर है, एक से दो के बीच ऊपर है। अचक के ठंड भी लगने लगी हमको तो। कंबल ले ले रहे चाचा, 5-10 मिनट के लिए क्या कंबल ले। ये देखो नीचे कितने सारे फ्लोर हैं, हम कौन से फ्लोर पे हैं? ये आप ऊपर से सेकंड पे हैं, अब नीचे पांच और हैं। इसके बाद हम पांच हैं, इसके नीचे एक ऊपर होगा लास्ट, इसके नीचे पांच फ्लोर हैं। ये तो बड़ा मजबूत लकड़ी लगानी पड़ती होगी है। ये हर साल मरम्मत होती है सीजन आपके बाद पूरा, हर साल मरम्मत होती है। ये कहां से डक्ट कहां है, कहां से लगानी है? आई ऊपर आई। अच्छा, ये जो लकड़ी है तो अपने आप ठंडक ऊपर से नीचे पहुंचती रहती है। वो इसमें स्पेस है ना, हर जगह खुला हुआ है। ये लकड़ी में ठंड होती ना। ये कूलिंग सिस्टम होता हमारे इसमें, इधर आ जाइए। बर्फ आती है अमोनिया का सर्कुलेशन होता है कंप्रेसर से, जब अमोनिया को घुमाएंगे तो बर्फ आएगी। ये बर्फ आ रही है, ऊपर फैन चल रहे हैं, फैन भी चलते हैं, जरूरत पड़ती है एक्सचार्ज भी चलते हैं। अरे राम, नहीं अरे वाकई ठंडक है भैया। एक तो हम गर्मी में घूम रहे थे, बीमार होने की भरपूर आशंका है, ठंडा गर्म और आया भैया। ये ठंडा कोल्ड स्टोरेज हमको नहीं अंदाजा था, इतनी ठंड रहती होगी भीतर। ठंडे में तो आलू नहीं खराब हो जाएगा। हाँ बात भी सही है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ धरा है आलू, ये साथ ही बदल है। यहाँ इंसुलेशन हो गया, बंद हो गया इसके ऊपर। इसके ऊपर करीब 7-8 फुट का लिंटर डबल है, इसमें सब ड्राई सब्स भरी है। क्या भरी है? ड्राई सब्स, भूसी भरी हुई है। और ये लकड़ी कौन सी है जिससे ये बना है फ्लोर सब? ये तो उसकी है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस बड़ा इसकी संभाल भी चाहिए होगी। भारी आलू आलू सब रखा है, मेंटेनेंस रहता है। तो ये इसकी कैपेसिटी कैसे होती है, कितनी कैपेसिटी का है ये? ये एक जैसे हमारा खाना है ये, इसमें 72 रुपए की डाली। लंबाई चौड़ाई हिसाब से आप जितना बनाएंगे, अब ये हमारा कोल्ड लगभग 1,95,000 रुपए के ज्यादा है, 1,95,000 रुपए। कितने लोगों को रखना पड़ता है नौकरी पे इसके रख रखाव के लिए? अब मशीन रूम में हमारे 8 आदमी हैं, ऑफिस में। मशीन रूम में जो टेम्परेचर चेक करते हैं, प्लांट चलाते हैं। प्लांट, हाँ मतलब वही पूरा मैनेज करना। ये पूरा अब 6वें फ्लोर पे आ गए। क्या नीचे जमीन के नीचे भी बना हुआ है? हाँ, दो अंडरग्राउंड डबल, दो अंडरग्राउंड। फरुखाबाद में कितने कोल्ड स्टोरेज होंगे अंदाजे? ये लगभग 90 कोल्ड स्टोरेज है। 90 कोल्ड स्टोरेज है और आलू का काम भी बहुत है यहाँ। हाँ, तो बोरों में ज्यादा सुरक्षित होता है कि वो पॉलीथीन वाले? वैसे वो पॉलीथीन में शुगर फ्री आलू रखते हैं। शुगर फ्री आलू, शुगर फ्री दूसरा चैम्बर हमारा, उसका टेम्परेचर रहता है 40-45 के आसपास। अच्छा, वो थोड़ी सी गर्मी झेल लेता है उसमें। ये शुगर फ्री है? नहीं, शुगर फ्री नहीं है, ये लोग ले आते हैं इसमें। अच्छा, ये वैसे जो पैकिंग है वो शुगर फ्री की है? हाँ, पैकिंग है, लेकिन बंगाल टाइगर किसानों की का जीवन साथी, हैवी ड्यूटी हाई स्ट्रेंथ लेनो बैग। अच्छा, ये वहाँ से बन के आया है, ये कई कंपनियां बनाती है अपनी, किसान फ्रेश। हाँ, बंगाली में लिखा भी है किसान फ्रेश, श्री माँ पॉली टैप्स। अब अगली दफा आप आलू खाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ये कोल्ड स्टोरेज से ही है। हमारा तो मोबाइल भी ठंडा हो गया, हम तो काँप ही रहे हैं। सर्वर रूम याद है? हाँ, सर्वर रूम में बहुत ठंडक रहती है। नीचे देखो, हमको ना देखो, नीचे देखो। सावधानी बहुत जरूरी है। अब दिख रहा है तुमको? देखो नीचे भी है, हम ग्राउंड फ्लोर पे है, नीचे भी फ्लोर है।
आप मशीन में दिखा दें, ठंड से बाहर आया तो मॉइस्चर निकल रहा है, तभी लोग सुखाते हैं, इसलिए बाहर निकाल के ये कितने दिन धरा रहेगा? दो तीन दिन में फेंकते गए। कौन सा आलू है ये? चिप्सोना? ख्याति? क्या पट्टी होती है, वेट किया जाता कि जितना हमने दिया था हमें उतने ही वजन का वापस नहीं। आलू कुछ कम तो होता है, लेकिन जो लोग मोल लेता है वो डोल से लेता है। जो मोल ले जा रहे वो है? नहीं नहीं, मान लीजिए मैंने आपके यहाँ 100 क्विंटल आलू रखा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे 100 क्विंटल लौटाओगे ना? तब कम हो जाएगा, आलू सूखता है। अच्छा, ठंड में थोड़ा सिकुड़ता है, कितना मार्जिन चलता है ये? करीब 5-6% बहुत परेशान है यूपी, बहुत परेशान है। कौन परेशान है? यूपी के सामने ही हम लोग। क्या हो गया कि वेतन सब मुखिया भेजो बहना खाना बनाती है स्कूल में, हाँ, और मजदूरी कम, आलू सस्ता, सब समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका चाचा? सुरेश बाबा, बाबा ही बाबा कहते हैं सब, बाबा कहते हैं। हाँ, तो बहुत परेशानी है यहाँ यूपी में। तो जो मिड डे मील में 1500 रुपये मिलता है वो समय से नहीं आता है ना? 6-6 महीना हो जाता है। हमको पीलीभीत में जो खाना बनाती दीदी, उन्होंने भी यही बात कही जो आप कह रहे हैं। बहुत परेशान है यूपी, बहुत परेशान है, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राण बेबा लगी है बेचारी, उनके वेतन ना आया, 6-6 महीना हो जाए, ठीक है? यूपी बहुत दुखी है, कह देना। अरे इधर तो आओ बाबा। अरे यार एक मिनट, अरे सुनो तो, अरे मेरी मजदूरी कट जाएगी। अरे एक सेकंड सुन लो, आप कह रहे हो अखिलेश से क्या देना, सरकार तो योगी की है। बाकी नहीं बने उम्र यही है, अब बापे बहुत पाप पड़े हैं। किस पे? बापे होगी और योगी दोनों। हाँ हाँ, बहुत गरीब पब्लिक परेशान है यार। हाँ। इतनी परेशान है कि हम जान दे, जो हमारे पास रहती है, हम आदत से बाकी स्कूल के तो रोड लगती हैं, तो हमने कई एक बहनान को हमने अपनी मजदूरी करके पैसा दे। अच्छा। हाँ, सामने कहीं हैं वे कि हमने अपनी मजदूरी का पैसा इन बहनान को दे। हाँ। कि तुम अपने आटा चलाओ, 6-6 महीना हो जाता रो रही है, क्या करें बताओ। तो ये बेकार भ्रष्टाचार फैलो गए। हाँ। अपने यहाँ यूपी में भ्रष्टाचार फैलो गए। ये कब से फैला हुआ है? जब से इनकी सरकार बनी है तब से। हाँ। और ना तो मशीन से वोट डरवाओ जाए। हाँ। तो इन्हीं की सरकार बनी है, और अंगूठा से अगर पड़ो जाए तो ये हटा दे देंगे। हाँ, इतनी तो बेईमानी हो रही। आपका गांव कौन सी विधानसभा में है? नगला खेम रहेगा, मजरा नौसारा जात के अहिर, और स्कूलन के अध्यक्ष, 4 स्कूल हैं मेरे मौजूद, उनके अध्यक्ष। और हम बोरा ढोत हैं, हम खुद ही परेशान हैं, अपने बच्चा नाती निकले, हम बोरा ढोत, हम इनके इनसे 10-5 हज़ार रुपया ले लें और हम साल भरे के लिए बिकी जात, इनके काम बनाए जाए, घरे जाए, हमारा हल्कापन हो। तो हम जिस लायक हैं, हम अपनी मेहनत से अपने परिवर्तन को पाल रहे, और बेहुआ गेहूँ देते हैं सड़े गले 5 किलो, तो वह 4 किलो मिल, 4 किलो मिलता, सुना 5 किलो 1 मिनट में देते, 5 किलो मिल। ठीक है, चलिए, ये मैं इनके गेहूँ के दावे से सहमत नहीं हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि गेहूँ के वितरण को लेकर हमने खुद कई जगह देखा है। अभी इस कोल्ड स्टोरेज में आने से पहले भी हम लोग कंचनपुर गांव में थे, तो गेहूं की क्वालिटी तो ठीक थी, हो सकता है उनके गांव में गड़बड़ हो। एक चीज़ आपने बहुत नोटिस की होगी, यहां पे जाति बताने का चलन है और उसके हिसाब से पैटर्न भी डेवलप होते हैं, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं हम जाति के अहीर हैं, जबकि वो पूछा भी नहीं गया था। अब कई लोग उसी के हिसाब से उनके नाराज़गी या उनकी पॉलिटिकल प्रेफरेंस को भी, जैसे कई लोग मिले बोले साहब हम क्या करें, हम तो ठाकुर हैं, हमारी मजबूरी है, तो सब लोग अपनी अपनी जात की मजबूरियाँ भी बताते हैं, समस्याएँ भी बताते हैं, फिर उसको जाति से भी जोड़ देते हैं। हाँ जी सर, तो अब हम लोग किस तरफ चल रहे हैं? मशीन रूम तरफ। क्या प्लान? मशीन रूम प्लान। तो वहाँ से क्या रेगुलेट होता है? ये टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ये है मशीन रूम? हाँ, आगे है। आगे है, आप आगे चलिए। ये सब फायर सिस्टम लगा हुआ हमारे, फायर सिस्टम। देखो इसका तरीका ये है, इधर देखो, जैसे आप चलिए, ये भाई साहब चल रहे हैं, जो भाई साहब की आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है, तो अब भाई साहब कुछ बोलेंगे तो बिल्कुल पास में भी है और विजुअल भी दिख रहा है, ठीक है, और तुम्हें सामने भी दिख रहा है, पकड़ूंगा।
ये पूरा सब सुखाने के लिए थोड़े सूरज के ठीक बाहर जगह होती है, आलू बनाने पड़ते हैं, आलू बनाने। कौन सा पीक सीजन होता है जब किसान ज्यादा निकालते हैं आलू? ये चल्ला, ये जैसे नवरात्र में आलू की खपत बढ़ जाती है। नहीं खपत, अब इस समय आलू गड़ाई भी होती है, आलू गड़ने के लिए जा रहा है। तो बीज के लिए भी चाहिए, बीज के लिए गड़ाने के लिए, बीज के लिए भी चाहिए। और त्योहार का सीजन है, हमें हर साल अक्टूबर में भीड़ भाड़ रहती है कोल्ड रूम, अक्टूबर में कोल्ड स्टोरेज में। अभी क्या रेट चल रहा है मार्केट में? अच्छा, सबसे ज्यादा पीक कब आता है आलू के बिक्री में रेट के हिसाब से? रेट तो बाहर की मंडियों के हिसाब से, वैसे अधिकतर रेट जो है ये नवरात्र में ज्यादा होता है। नवरात्र नहीं, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा होता है लोग रोक देते हैं तो उसमें आलू मौका भी होता है। अभी तो दो दिन पहले डिमांड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। यहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट होता है, ये कंप्रेसर लगे ना, कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, इसका मतलब इसमें अमोनिया भरी हुई है। आयुष क्या सिस्टम होता है, थोड़ा बाहर आके बताओ हमको। इन्होंने साइंस की पढ़ाई की है, ये कैसे अमोनिया से कैसे ठंडक होती है? अमोनिया कूल होती है, लिक्विड लिक्विड अमोनिया। अमोनिया क्या होती है, नेचुरली गैस अमोनिया, अमोनिया शायद रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होती है, तो कहीं से अमोनिया को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है और वही अमोनिया सर्कुलेट की जाती है ना। तो अमोनिया जैसे जैसे चल रहा है, गैस जाती है चैम्बर में, चैम्बर से आती है कंडेंसर में ठंडी होती है, फिर रिसीवर में आती है, रिसीवर से घूम के फिर चैम्बर में, यहाँ कंडेंसर ठंडी होती है। ठंडी होने के लिए गई है, ये पानी भी ठंडा होगा खूब, ये पानी नॉर्मल है, फिर ठंडी होकर आ जाती है अंदर, ठंडी होती है रिसीवर इसमें, घुमाएंगे तो गैस आ जाएगी, फ्रिज होती है, फ्रिज में फ्री ऑन गैस होती है। कौन सी? फ्री ऑन। अच्छा, ये अमोनिया है, वो जानलेवा नहीं, जानलेवा होती है ये, फिर मतलब इंडस्ट्री में ये अमोनिया के बाद इंडस्ट्रियल यूज। ये क्या है, जनरेटर है? हाँ, ये बात बिजली करना है तो ये हमारा पूरा प्लांट चला है। तो ये आप लोगों ने एक कोल्ड स्टोरेज का बेसिक सिस्टम देख लिया है। अब हम लोग कुछ किसानों से भी बात करेंगे आलू के, क्योंकि फर्रुखाबाद में आलू की पैदावार बहुत है,
बीच में वो एक भाई साहब आए, उन्होंने भी अपना रोज प्रकट किया योगी सरकार के खिलाफ। है सही बात, हर आदमी अपना, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, यही लोकतंत्र की जरूरत भी है। चलिए इसको यहाँ बंद करते हैं। अब अगली दफ़ा आप आलू खाइए तो याद रखिएगा कि बहुत संभावना है कि वो आलू ऐसे ही किसी कोल्ड स्टोरेज में कुछ महीने का आराम करके आप तक पहुँचा है। आप इस तरह की वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो लल्लन टॉप यूपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।